बात त्रेता युग की है, लेकिन आज तुम्हें अभी सुनाता हूँ कैसे हनुमान का शौर्य पराक्रम तुम सबको बतलाता हूँ। अरे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब छोटे मोटे लोग हैं, अरे हनुमान जी वो है जिनका बच्चा तीनों लोग है। ऐसे वीर हनुमान की गाथा मैं तुम्हें बताता हूँ, छोटे से शब्दों में उनकी महिमा बताता हूँ। बात उस समय की है जब हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सबसे पहले उनका सामना एक प्रेत से हुआ। प्रेत को हनुमान ने पीटा, ऐसा गदा उठा के पीटा, वो निकल बिना आया लंका पूरी हुई सफाया। जैसे ही वो लंका के अंदर गए, कई भूत प्रेतों से पाला पड़ा। जिन दिन से हनुमान का पाला पड़ा, उन सब के ऊपर ऐसा भाला पड़ा, वो बचे न बचने वाले थे, वो सब आज मरने वाले थे। उस कंपित शंकित सेना पर जब कपी न हर की मार पड़ी, तो त्राही त्राही शिव त्राही त्राही, सब ओर से शिव की पुकार पड़ी। शेष निशाचर प्राण बचाकर भागे लंका के अंदर, और जाकर रावण से बोले, अजय है ये महाभयंकर बंदर, कि पलक झपकते ही उसने सजग राक्षसों को पटक के मारा, और उसे मारना कठिन काम है, उसने सबको बहुत लंकारा। काल काल के मुख में जाए काल कीश बनाया है, और लंका के माथे पे आज महाविनाश मंडराया है, लंका के माथे पे आज महाविनाश मंडराया है। दांत पीस कर रावण बोला, अरे कायरो बोलो मत, डूब मरो चुल्लू बलवान, ने मुंह को अपने खोलो मत, अरे वानर से डरते हो, छी छी लाज नहीं आती, और उसका वर्णन करते हुए कटके ये जीव नहीं गिर जाती। बोला अक्षय कुमार बीच में, मेरे रहते दुख न करें, मेरा मन व्याकुल होता है, आप यूं चिंतित मुख न करें। उसके मांस का बना कल जलपान खाएंगे, यहाँ पे सभी लोग दशानंद आपके ही यशगान गाएंगे। सबसे पहले गए माँ सीता के पास, उन्हें प्रभु मुद्रिका दी, हनुमान ने विकराल रूप दिखाया, माता सीता का संशय दूर का किया, और बताया माते नहीं है कमजोर आपके बालक हैं, आपके बालकों में ऐसा खून है जो सब आज देखने वाले हैं। इसी प्रकार से हनुमान ने विकराल रूप धारण किया, सीता माता के संशय का आज कपी पर ने निष्पारण किया, और कपी पर चले लंका के अंदर, बोले हम तो फल फ्रूट खाएंगे, आज कैसे नाच नाचते लंका वाले सबको यही बताएंगे, चाहूं तो माते को लेकर उड़ पड़ू आज। इसके बाद हनुमान ने वाटिका में प्रवेश किया, एक एक करते सारे फलों को खा खा के हनुमान ने चूर किया, कोई भी ऐसा पेड़ का पत्ता बचने वाला था। हनुमान जी ने ऐसा नाच नचाया, नाच पूरा नाचने वाला था, लंका में गोराम बचा, बात बात नगर नगर बंदे बंदे पे बात चली, अरे ये कौन आए नगर में, कोई काल है या वो स्वयं बजरंग बली। हनुमान की चर्चा से लंका का स्वर पूरा गूंज गया, और हनुमान ही हनुमान लंका में गूंज गया। आज एक ऐसा बंदर है लंका के अंदर, डाक के आया पूरा समुंदर, आगे लंका पे रोष किया, कई राक्षसों कई असुरों का उन्होंने निर्दोष किया, सबको स्वर्ग लोक पहुंचाया, किसी को नरक लोक पहुंचाया, ऐसे हनुमान का पाला था। रावण के सम्मुख बात गई तो अक्षय कुमार को भेजा था, अक्षय कुमार आया सामने हनुमान के, दोनों में फिर युद्ध हुआ। रथ पर आते देख अक्षय को हनुमान का क्रोध बढ़ा, और अक्षय के व्यूर में कपी दर्शन से प्रतिशोध बढ़ा। हनुमान की गदा से देखो अक्षय कुमार ही चूर हुआ, उसको ऐसा उठाया गदे पे नाच नचाया, और ऐसा घुमा के मटका कि वो फिर कभी ना। हनुमान ने सोचा बालक है पर रण ज्ञानी है, इसके चेहरे से चमकता रण करने का पानी है, थका न थकने का कोई लक्षण दिखाई देता है, ये तो बढ़ बढ़ के गर्जन कर कर के रण पे रण देता है, अगर किया आलस्य कहीं तो फल बड़ा भयंकर होगा, इसको मार डालने में ही आज हनुमान कुशल होगा। यही सोच कपि झपटे अक्षय की ओर, बड़े मुख ज्योति जली, गला अक्षय का पकड़ प्राण पी गए तुरंत बजरंग बली। ऐसी लगा से भागते भागते सैनिक सारे रावण के पास गए, रावण को देखा और सारे उदास हुए, रावण बोला राक्षस राक्षस हो तो तुम वानर से डरते हो, ऐसी कैसी बात है तुम में, कैसी बातें करते हो, एक वानर भी तो था पकड़ के पूछ यहाँ ले आते, यही पटक पटक के बेचारे की जान गवा डालते, पर तुम कैसे नालायक हो, ये बात तुम्हारे बस की नहीं। फिर अक्षय कुमार का मर्दन हुआ, पूरे लंका में हनुमान जी का चर्चन हुआ, लंका का सिंहासन डोल गया, दस्तर वाला फिर एक बार बोल गया, कौन है ये, कैसी विपदा आई है, आज हनुमान नहीं लंका की मौत आई है।